हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डेट्स ओट्स स्मूदी, जिसे आप कह सकते हैं खजूर और ओट्स का शेक भी, जो कि एक नाश्ते के बराबर है। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहते हैं, जो वर्किंग है वो इसे ले सकते हैं आराम से। इसमें जो हम सामान यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि दूध, यहाँ पर 250 ml यानी एक ग्लास। यहाँ पर हम गार्निशिंग के लिए कुछ चॉप नट्स हैं। यहाँ पर मैंने आमंड्स लिए हैं 5 से 6। यहाँ मैंने 3 चम्मच के करीब ओट्स लिया है। ये ओट्स आराम से आपको कहीं मिल जाएगा। यह खजूर है 4 पीस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है हमारा, जैसे कि ओट्स है, उसे इस्तेमाल करने से पहले आपको ड्राई रोस्ट करना है। ओट्स इस जो रेसिपी है इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जो ओट्स है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, प्लस इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे पावरफुल सॉल्युबल फाइबर है, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को कम करता है। प्लस ये हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, और आपके हार्ट को प्लस आपके लिवर को डैमेज होने से बचाता है। शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ओट्स है कैपेबिलिटी बढ़ाता है आपकी बॉडी के ऑर्गन की, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप इसे खाते हैं तो काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है, तो आराम से आप इसको काफ़ी देर तक खा के रह सकते हैं। मिक्सचर हमारा रोस्ट हो गया है, काफ़ी स्लाइटली रोस्ट करना था हमें इसे। तो इसको कूल करना है, ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सी में रख देंगे। मिक्सी में रख कर इसे हमें पीसना है। पीसने में और भी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें ले लेंगे। आप इसका ड्राई पाउडर भी बना के रख सकते हैं, इवन या आमंड डालकर। आमंड्स डाला है, आमंड्स के भी फ़ायदे मैंने आपको बताया, इवन खजूर के भी फ़ायदे आपको पता है। खजूर जो है इसके फ़ायदे बहुत है, ये खून वगैरह है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के लिए मतलब बेस्ट है, हीमोग्लोबिन अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शुगर का सब्स्टिट्यूट अच्छा है ये। अगर शुगर नहीं खाना चाहते तो इससे आप अपना डेजर्ट वगैरह मीठा कर सकते हैं। पीसने के लिए हम थोड़ा सा हमने इसमें डाला दूध, ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। आप क्या कर सकते हैं, खजूर अगर नहीं डालना, खजूर को अलग से आप मिक्सी कर लीजिए और ये ड्राई पाउडर बना के रख सकते हैं। थोड़ा सा दूध जो हमने क्लास में लिया था ना, उसी का हमने इसमें ऐड किया, ताकि इसको जब अच्छे से हम मिक्सी करें तो उसका पेस्ट अच्छा बन जाए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। इवन आप स्मूथ पेस्ट को भी रख सकते हैं फ्रिज में, अगर आप इसको थोड़े से घी के साथ हल्का सा कुक कर देना है तो ये जस्ट लाइक बटर, बटर जैसा बन जाएगा। तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, बस अर्ली मॉर्निंग मिल्क में घोला और पी लिया आराम से। अब हम क्या करेंगे, हमारा पेस्ट तैयार है। यहाँ 1 ग्लास मिल्क लिया है, इसमें आप लोग जो पेस्ट आपने तैयार किया था उसे ऐड कर देना है, और ये बहुत ही डिलीशियस रहता है। प्लस इसमें आप पहचान भी नहीं पाएंगे, अगर किसी को आप देते हैं पीने के लिए, वो पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें आपने शुगर ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डेट्स यानी कि खजूर यूज़ कर रहे हैं, उसका नेचुरल शुगर इतना है कि वो बहुत अच्छे से मिठास दे देता है शेक को। प्लस इसका कलर भी देखिए अच्छा आया है, और इसमें आराम से आप 1 ग्लास इस पर 4 डेट्स के साथ खा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो वर्किंग स्पेशली उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है ब्रेकफास्ट करने का। तो आप ये इजीली आराम से बना के रख सकते हैं और इसे पी सकते हैं। आई होप आपको मेरी अच्छी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही क्यूट वीडियो है, छोटी सी वीडियो और हेल्दी वीडियो भी है। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम नई वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।